हाय गाइस, वेलकम टू आवर स्टोरी टेलिंग सीरीज एपिसोड नंबर 5। और आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कहानी दो नेबर्स की जो कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहते हैं और दोनों को गार्डनिंग का और प्लांटेशन का बहुत शौक है और दोनों ही एक ही टाइम पे एक ही जैसा पौधा अपने घरों में लेके आते हैं। एक उसमें से रिटायर्ड टीचर होता है और एक उसमें से इंश्योरेंस एजेंट होता है। जो रिटायर्ड टीचर होता है वो थोड़ा सिंपल सा इंसान होता है और जो दूसरा इंश्योरेंस एजेंट होता है उसको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो बहुत कॉशियस होता है, चीज़ों को बहुत मतलब बारीकी से उनको देखता है और बहुत ज़्यादा कॉशियसली वो अपनी ज़िंदगी में चलता है। तो दोनों अपने पौधों का ख्याल रखते हैं। जो रिटायर्ड टीचर होता है वो अपने पौधे को उतना ही पानी हमेशा देता है जितना उसकी ज़रूरत होती है और ना वो उस तरह से उसका ख्याल रखता है जितना जो इंश्योरेंस एजेंट है वो अपने पौधे का ख्याल रखता है। और वो उसको पानी भी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि हर वक्त उसको वो पानी जब भी उसको टाइम मिलता तो उसको अक्सर दे दिया करता। एक रात को ऐसा होता है, काफ़ी तूफ़ानी बारिश होती है और उस तूफ़ानी बारिश की वजह से सुबह जब होती है तो दोनों ही अपने अपने गार्डन में जाके भाग के देखते हैं कि हम देखें हमारे जो प्लांट्स लगाए हैं उनको कोई डैमेज तो नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो क्या देखता है कि उसका जो लगाया हुआ पौधा होता है वो अपनी जड़ों से भी बाहर आया होता है, उसकी जड़ें भी बाहर आई होती हैं और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होता है और वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। और वो बड़ा हैरान होता है और बड़ा सरप्राइज होता है ये देखकर कि जो रिटायर्ड टीचर है उसका पौधा जो है वो बड़ा फर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसकी जड़ें भी बाहर नहीं आई। तो वो उससे ये पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है कि मैंने अपने पौधे को पानी भी ज़्यादा दिया, मैं उसका ख्याल भी ज़्यादा रखता था और मैं उसको टाइम भी ज़्यादा देता था, उसको मैंने हर वो एनवायरनमेंट दिया, मैंने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, उसकी जो नीड थी मैंने पूरी की, तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा पौधा जो है वो जड़ उसकी जो है वो उतनी डीपर नहीं थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और तुम्हारा पौधा जो है वो सर्वाइव कर गया। जिस पे जो रिटायर्ड टीचर है कि यू मेड इट ईजी फॉर देम, तुमने उन रूट्स के लिए आसानी पैदा की, तुमने पौधे के लिए आसानी पैदा की, जबकि मैंने अपने पौधे को सिर्फ उतना पानी दिया जितना ज़रूरत थी और उतना ही उसका ख्याल रखा, केयर की जितना ज़रूरत थी। और इसी वजह से जो मेरे पौधे की जो रूट्स थी उन्होंने अपना रास्ता खुद ढूंढा और उन्होंने अपनी मदद के तहत जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई, वो बाहर आई और उस तरह से वो सर्वाइव भी कर सकी। सो टेक अवे एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट पेरेंटिंग टू देयर चिल्ड्रन। हम अक्सर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ देके और बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरियात पूरी करके उन्हें एक चीज़ से महरूम कर देते हैं जिसको कहते हैं कि अर्न करना किसी चीज़ को। अगर हमारे बच्चे जो हैं वो भी सेम इन्हीं प्लांट की तरह होते हैं, अगर उनको एक चीज़ का अर्न करने का नहीं पता तो वो उसकी वैल्यू को भी नहीं जान सकते। कभी कभी बहुत अच्छा तरीका बच्चों को ग्रो अप करने का ये होता है कि आप उनको गाइड करें रादर देन टू प्रोवाइड देम एवरीथिंग, कि आप उनकी हर ज़रूरत पूरी करें और साथ ही में आप उनको ये तो ज़रूर सिखाएं कि हाउ टू वॉक, कि किस तरह से आप चल सकते हैं, लेकिन लेट देम फाइंड देयर ऑन वे, उनको रास्ता कभी कभी ख़ुद चुनने दें ताकि वो ज़िंदगी में आगे सर्वाइव भी कर सकें। आई होप आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा एंड वी विल कम बैक अगेन नई स्टोरी लेके। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।